घर में सेंध मारकर चोरी करने वाले कुख्यात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से कुल 4,50,000 रुपए का माल बरामद करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने दी। सेंधमारी में लिप्त कुख्यात अपराधी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद अकीब मोहम्मद सलीम बताया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गांजाखेत निवासी पीयूष नंदनवार माता पिता के साथ 16 मार्च को पुणे गए थे। उनके घर से नकदी सहित 4,50,000 रुपए के गहने चुरा लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर परिसर के नाबालिग को हिरासत में लिया। उसने भेष बदल कर चोरी की थी। नाबालिग ने चोरी का माल अकीब को सौंपना बताया। इसके बाद से अकीब फरार था। पुलिस को उसके घर में आने का पता चला। सोमवार को उसे हिरासत में लिया गया। अकीब और नाबालिग से नकदी सहित 4,50,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस कर्मचारी अनिल ढोळे हा पाचपावली पोलीस स्टेशनला कार्यरत आहे। यांचा अर्ज चौकशी आमच्याकडे होती आणि अर्ज चौकशीमध्ये त्याचा जुना मित्र आणि SRPFमध्ये ग्रुप 4 मध्ये नोकरीस असलेला आरोपी अनिल राऊत ह्याने त्याची 19 लाखाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये आरोपी अटक आहे। बता दे की अकीब के खिलाफ हत्यासहित कई गंभीर मामले दर्ज है। वह काफी समय से अपराध में सक्रिय है। उससे अन्य मामलों का भी पता चल सकता है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने के मार्गदर्शन में की गई। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार VKB न्यूज नागपुर।